नमस्कार नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर अभिनंदन है। आज हम जो है कि एक टॉपिक है कि बच्चों का कई क्वेश्चन होता है कि सर BSc के बाद में क्या करें, तो BSc के बाद में बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो BSc के बाद में जो है कि कई रास्ते स्टूडेंट के पास होते हैं, या तो वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, जैसे वो SSC, बैंक, रेलवे, पटवार, LDC आदि एग्ज़ामों की तैयारी कर सकता है, और यदि वह टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसको BSc के बाद में क्या करना चाहिए, यानी कि टीचिंग फील्ड में जाने के लिए BSc के बाद में क्या क्या रास्ते होते हैं, किस किस रास्ते से वो एक टीचर के पोस्ट पर जा सकता है, या वो कहीं क्या कर बढ़ सकता है, टीचर बन सकता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, BSc के बाद में टीचर बनने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है, कौन कौन सी डिग्रियाँ होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सकता है, टीचर बन सकता है। तो BSc के बाद में दो रास्ते होते हैं। BSc के बाद में एक रास्ता होता है कि BSc के बाद में एक तो स्टूडेंट MSc कर सकता है, और एक रास्ता उसके पास में होता है कि वो क्या कर सकता है, BEd कर सकता है। तो MSc मास्टर ऑफ साइंस, MSc 2 साल का कोर्स होता है, MSc कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि रास्ता यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, IIT से कर सकते हैं, BHU से कर सकते हैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। MSc जो है कि अगर IIT से किसी को MSc करना है तो BSc के फाइनल ईयर में IIT JM का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में स्टूडेंट IIT में जाके क्या कर सकता है, MSc कर सकता है। MSc कितने साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, सही है। MSc के साथ साथ अगर स्टूडेंट NET GRF की तैयारी भी शुरू कर देता है तो वो MSc के साथ साथ क्या कर सकता है, NET GRF का एग्ज़ाम देके NET GRF क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। NET GRF का एग्ज़ाम साल में 2 बार लगता है, 1 जून में और 1 कब लगता है, दिसंबर में लगता है। जो टॉप रैंकर होते हैं उनको क्या होता है, GRF का डिग्री मिल जाता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि वो स्टूडेंट कहीं भी जाके PhD अगर करता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है, सही है। और जो कुछ कम रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनकी रैंक थोड़ी नीचे होती है, तो उनको क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। और जिस स्टूडेंट के पास में नेट है वो क्या कर सकता है, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, कॉलेज एक लेक्चरर का जो फॉर्म है उसको भर सकता है, और कॉलेज लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो MSc करने के बाद में नेट जीआरएफ करने के बाद में क्या कर सकता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में क्या बन सकता है, कॉलेज लेक्चरर बन सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि BEd के बाद में MSc करे, MSc के बाद में NET GRF करे। किसी की इच्छा PhD करने की है तो वो कहीं से PhD कर सकता है, PhD एक रिसर्च फील्ड है, वहाँ पर वो किसी भी टॉपिक पर क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। उसके बाद में NET GRF के बाद में वो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दे सकता है, और क्या कर सकता है, कॉलेज में लेक्चरर बन सकता है, यानी कि प्रोफेसर बन सकता है। दूसरा रास्ता क्या है, BSc के बाद में वो BEd करे, BSc के बाद में BEd करे। BEd भी कितने साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। BEd करने के बाद में जो स्कूल में जो टीचर होते हैं उन टीचरों के लिए वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, यानी कि BEd के बाद में वो सेकेंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकता है, स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास में BEd है तो वो सेकेंड ग्रेड का टीचर बन सकता है और थर्ड ग्रेड का टीचर बन सकता है। जो सेकेंड ग्रेड का टीचर है वो 9वीं 10वीं क्लास को पढ़ाता है, यानी कि वो 9वीं 10वीं क्लास का टीचर बन सकता है, या वो थर्ड ग्रेड में लेवल होते हैं 2, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड। लेवल फर्स्ट में जो टीचर है वो 1 से लेकर 5 तक की क्लासों को पढ़ाते हैं, लेवल सेकेंड के जो टीचर होते हैं वो 6 से लेकर 8वीं तक की क्लासों को पढ़ाते हैं। तो BEd के बाद में वो सेकेंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का टीचर बन सकता है। और यदि किसी स्टूडेंट के पास में BEd प्लस MSc दोनों है, यहाँ से BEd और यहाँ से MSc दोनों डिग्रियाँ उसके पास में है, तो वो फर्स्ट ग्रेड के लिए एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। जो फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर होता है वो 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाता है, और जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है वो कुछ साल बाद में क्या होता है, स्कूल में HM क्या होता है, HM की पोस्ट पर क्या हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाता है, सेकंड ग्रेड का टीचर 9वीं 10वीं को पढ़ाता है, थर्ड ग्रेड के टीचर में 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट जो 1 से 5 तक होता है, लेवल सेकंड जो 6 से 8 तक होता है। तो BSc के बाद में BEd करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का टीचर बन सकते हैं। अगर MSc करके NET GRF कर लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि BSc के बाद में पहले MSc करें या पहले BEd करें। तो सबसे पहले BSc के बाद में क्या करें, BEd करें। मेरी राय मानो तो सबसे पहले क्या करें, BEd करें, क्योंकि मैंने BEd MSc सब कर रखी है, तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
आप बीएससी के बाद में क्या करें, बीएड करें, क्योंकि बीएड करने से आपके पास में क्या हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए क्या हो जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। सही है, इधर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए रास्ते खुल जाते हैं, आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में अपना एमएससी भी क्या कर सकते हैं, शुरू रख सकते हैं। और इधर आपका एमएससी होने के बाद में आप क्या हो जाएंगे, इधर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, सब्जेक्ट में आपकी डिमांड है, तो आप इधर से नेट जीआरएफ क्वालिफाई करके कॉलेज लेक्चरर के पोस्ट पर भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये बीएससी के बाद में अगर टीचिंग फील्ड में आपको जाना है तो टीचिंग फील्ड में जाने का ये पूरा प्रोसीज है। इसके जरिए आप बीएससी के बाद में बीएड करके सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का टीचर बन सकते हैं, बीएससी के बाद में आप बीएड और एमएससी दोनों करके फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, बीएससी के बाद में आप एमएससी करके और नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर का जो फॉर्म है या कॉलेज लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल कंपटीशन का दौर बहुत तेज़ है, वैकेंसियाँ 2-3 साल में वैकेंसी आती है और कंपटीशन का दौर बहुत तेज़ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास में इधर एमएससी के साथ साथ में बीएड का डिग्री भी होगा, एमएससी के साथ साथ में आपके पास में क्या होगा, बीएड का डिग्री भी होगा, तो आप इधर इन तीनों एग्ज़ामों के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। यदि किसी स्टूडेंट के पास में केवल एमएससी ही है, अगर उसके पास में बीएड नहीं है, तो वो इन तीनों एग्ज़ामों के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड का होना क्या है, अति आवश्यक है। अगर किसी स्टूडेंट के पास में केवल एमएससी है तो उसके पास में केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो नेट जीआरएफ करके कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दे, कॉलेज लेक्चरर बने। अगर स्टूडेंट के पास में बीएड भी है तो उसके पास में ये वाला रास्ता खुल जाता है, यानी कि वो इधर नहीं तो यहाँ पर वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में क्या कर सकता है, टीचर बन सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, बीएससी के बाद में अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए पूरी प्रोसेस है, टीचर फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर और कॉलेज लेक्चरर। तो जितना मुझे पता था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आपके पास में और कई रास्ते हो सकते हैं बीएससी के बाद में, अगर कोई टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहता है तो एसएससी, बैंक, रेलवे जो है कि इत्यादि एग्जामों की तैयारी कर सकता है, पटवार, एलडीसी, बहुत सी वैकेंसी आती है उनकी तैयारी कर सकता है। यदि किसी का सपना टीचिंग फील्ड में जाने का है तो टीचिंग फील्ड में जाने का तरीका यह है कि बीएससी के बाद में आप बीएड करें या आप एमएससी करें, बीएड और एमएससी दोनों आपके पास में है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास में केवल बीएड ही है तो आप सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल है, अगर आपके पास में एमएससी प्लस नेट है तो आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर के लिए आप क्या है, एलिजिबल है। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।